नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आज हम शख्सियत कार्यक्रम में बात करेंगे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिसे जिनका हम परिचय आप उसे कराएंगे। सर स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें अपने विषय में। देखिए, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, मुख्य शिक्षक रहा और उसके बाद अपने शिक्षा पूर्ण की मैंने, ग्रेजुएशन करी मैंने। मैं करीबन 50 वर्षों से पहले भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। वार्ड अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश का कोषाध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष 2004 से लेकर के 2014 से लेकर के 2018 तक रहा। मैं जयपुर शहर का मेयर रहा 2004 से लेकर के 2008 तक। दो बार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक रहा। अच्छा सर, आप राजस्थान से प्रवास पर दिल्ली में आए चुनाव के लिए और आप दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, ना तो ये दिल्ली की राजनीति है, ना ये राजस्थान की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सर्वव्यापी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चलती है और वो विचारधारा पूरे देश की विचारधारा के साथ चलती है। तो सर, आपने कहा विचारधारा की पार्टी और पार्टी के साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं। कल जो है प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो हमने देखा सुना जो है द्वारका के अंदर, वहाँ पे हमारे लोकसभाओं के उम्मीदवार भी थे, उनके द्वारा भी वहाँ पर बातचीत की गई, लोगों को वक्तव्य दिया गया, भाषण दिया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव है दिल्ली के मतदाताओं पर आप क्या देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के मतदाताओं पर ही नहीं, पूरे देश की जो 140 करोड़ जनता है उस पर उन्होंने प्रभाव डाला है। और हमारी देश की जनता पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपना प्रभाव डाला है और उसी का ये परिणाम है विश्व के सबसे ताकतवर नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और हमेशा जो सर्वे हुआ सबसे श्रेष्ठ कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नंबर वन पे रहा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा। आए दिन भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के द्वारा अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है तो मैं केजरीवाल जी के विषय में आपसे बात करना चाहूंगा। अभी हाल ही में उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जेल में डाल दिया, मेरी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं, तो बहुत अनेक प्रकार के उन पर इल्जाम हैं। तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष की पार्टी में जब से हमारा देश आजाद हुआ निरंतर कांग्रेस की सरकार रही 55 वर्षों तक, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेशों की सरकार, कांग्रेस का वर्चस्व रहा। और मैं समझता हूँ इसी कांग्रेस ने आरएसएस पर बैन लगाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया, इसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को 18 महीने तक जेल में रखा। तो ये विपक्ष का जो है वो तो अनर्गल आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर और इससे पहले भारतीय जनसंघ पर हमेशा लगाती रही, परंतु देश की जनता ने इस पार्टी को स्वीकार किया, इस पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया तो आज आपको विपक्ष कहीं दिखता नहीं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है और आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए विपक्ष किस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है देश की जनता उस पर विश्वास नहीं करती। आप जो है देखिए प्रभारी हैं लोकसभा के, तो लोकसभा में आपने काम किया लगभग 2.5 महीने से लगातार, तो आप जनता का मूड क्या देख रहे हैं? देखिए, जनता का मूड हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार
पुनः प्रधानमंत्री बनाने के मूड में है, प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्लियामेंट में भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार का जो नारा दिया, उस नारे को साकार करना चाहती है। और आज हमारी देश की जनता को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है कि वो जो कहेंगे वो करेंगे। और जो मोदी जी ने अपनी जो गारंटी दी है इस बार विकसित भारत की, देश की जनता को इस बात का भी विश्वास है कि इस बार वो आएंगे तो देश को, भारतवर्ष को विकसित भारतवर्ष बनाने का काम करेंगे। और ये विश्वास ऐसे नहीं हुआ, ये विश्वास ऐसे नहीं आया, मोदी जी ने इसको करके दिखाया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में करके दिखाया। उन्होंने 2014 में देश की जनता के साथ वायदा किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस सारे के सारे वायदे उन्होंने पूरा करने का काम किया। चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे भगवान राम का भव्य राम मंदिर जहां पर राम, भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या नगरी में, वहां पर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, उस निर्माण को पूरा किया। यहां तक कि उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात की थी तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया, आतंकवाद को समाप्त करने की बात की थी तो आतंकवाद को समाप्त किया, उन्होंने गरीबी को हटाने की बात की थी। कांग्रेस की सरकार तो जब से देश आजाद हुआ तब से एक ही वायदा करती है देश की जनता के साथ जब चुनाव आते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, परंतु आज तक कांग्रेस की सरकार ना तो गरीबी हटा पाई ना गरीबी मिटा पाई, बल्कि भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब की कमर को तोड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। ये मैं खाली कह नहीं रहा, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, यहाँ तक कि हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया, देश का विकास और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र का निर्माण किया। आज पूरे विश्व में भारतवर्ष को एक शक्तिशाली देश के रूप में मानते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जहाँ भी पूरे विश्व में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। ये सम्मान उनका नहीं होता, ये सम्मान हमारे भारतवर्ष का होता है। और वो इसलिए होता है कि आज हमारा भारतवर्ष एक शक्तिशाली राष्ट्र बना है और जो शक्तिशाली होगा पूरा विश्व उसका सम्मान करेगा। अच्छा सर, मान लीजिए सरकार आपकी बनकर आती है और निश्चित है कि आएगी, तो कुछ मुद्दे हैं जो जनता जिनका इंतजार कर रही है, जैसे कॉमन सिविल कोड, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लागू होगा। दूसरा पीओके के विषय में आप क्या कहेंगे, पीओके का विषय बार बार जनता के द्वारा उठाया जाता है, आप देख रहे हैं कि पीओके में जो है बहुत आंदोलन चल रहे हैं और भारतीय झंडा वहां पर फहराया जाता है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे। देखिए, धारा 370 को हटा करके हमने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया। पहले कश्मीर पूरा हमारा नहीं था, परंतु धारा 370 के हटाने के बाद आज कश्मीर भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग बन गया, हम इसे पूरा भारतवर्ष कहते हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह तो अपने हर सभा में हर भाषण में ये कहते हैं कि अब पीओके हम लेंगे छोड़ेंगे, तो ये तो आप मान के चलिए अब ये अखंड भारत बनेगा। कॉमन सिविल कोड के विषय में आप क्या कहेंगे। देखिए, कॉमन सिविल कोड लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, देश की जनता को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पर पूरा विश्वास है, वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, एक पूरा विकसित राष्ट्र बनेगा, विकसित भारत बनेगा जिसमें सब चीजें शामिल है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में जो एक फैसला दिया कि जो 10% मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी की आड़ में ममता जी के द्वारा दिया गया, उसको हाईकोर्ट ने 2010 के बाद के सभी सर्टिफिकेट्स को निरस्त कर दिया, तो इस विषय में आपका क्या मत था और भविष्य में क्या रणनीति इसके विषय में। देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो देश की जनता को आगाह किया, यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये मुसलमानों को आरक्षण देकर के हमारे जितने भी ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उन पर कुठाराघात करेंगे।
बड़ा स्पष्ट कहा हमने। तो दिल्ली के विषय में जैसा जो नीतियां आप ममता जी की देखते हैं लगभग वही नीतियां केजरीवाल जी की हैं, और वही नीतियां आप अगर उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो अखिलेश यादव जी की भी हमें दिखाई देती है। तो दिल्ली में जो कार्यकलाप आप देख रहे हैं, आप ढाई महीने से दिल्ली में हैं, आपने दिल्ली की राजनीति को देखा भी होगा, समझा भी होगा, तो केजरीवाल जी को आप कितना समझ पाए हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं फिलहाल? देखिए जी, केजरीवाल हो, सोनिया जी हो, माया जी हो, अखिलेश जी हो, जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं सब एक ही रूप में है। मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र राष्ट्र के लिए सोचती है, वोटों की राजनीति नहीं करती। हम कोई भी नियम, हम कोई भी कार्य वोटों के कारण नहीं करते, हम राष्ट्र को आगे किस प्रकार से बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके हम सारी नीतियां बनाते हैं। और ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो केवल मात्र वोटों की राजनीति करती है। क्या कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी सरकारें नहीं बनाई? ये तो आज देश जाग गया, राष्ट्र जाग गया, तो अब उनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल रही और हम इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करके रहे हैं। अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नारा दिया गया, अब की बार 400, और उस नारे को पकड़कर पूरी ही भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से चल रही है जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा ये नारा दिया गया। अब इस विषय में बार बार जो विपक्ष की पार्टियां वो कहती हैं कि 150 पार भी नहीं होंगे, आपने राहुल जी को सुना होगा, और भी कई नेता अखिलेश जी भी कहते हैं कि उन्होंने तो 400 का विषय ही बोलना बंद कर दिया, उन्होंने तो आंकड़ा ही बताना बंद कर दिया मोदी जी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कामयाब हो पाएगा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, ये नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है, अब की बार 400, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस नारे को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दी है। और ये केवल मोदी जी ने तो नारा दिया है, इस नारे को पूरा करने में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पूरी देश की जनता हाथ से हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के इस बार 400 पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे हमारी बात हुई और आपने बहुत ही बेबाक तरीके से और बहुत अच्छे तरह से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो जिस शख्सियत से हमने आज आपकी बात कराई, उनके विषय में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, उनके विषय में जानने के लिए आपको बहुत कुछ मिला होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।